गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी अपने घाटों के कारण पूरे विश्व भर में जाना जाता है। अगर कोई बनारस घूमने आए और वह इन घाटों पर ना आए और घाटों पर नाव की यात्रा ना करे तो उसकी यात्रा अधूरी रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको लगभग 40 घाटों की यात्रा कराएंगे। तो हम नाव पर बैठ चुके हैं और नाव से हमने यात्रा करना शुरू कर दिया है। तो नाव पर बैठकर सवारी करने का मजा ही अलग रहता है और इस समय गंगा नदी में थोड़ा पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये आपको त्रिलोचन घाट दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप इन घाटों की तस्वीर अच्छी तरीके से लेना चाहते हैं तो आप जब भी वाराणसी आए तो नाव की सवारी जरूर करें। नाव की सवारी करते समय वाराणसी के इन घाटों का जो दृश्य होता है बड़ा ही अच्छा दृश्य आपको दिखाई देता है। जितने भी घाट आप देखेंगे उन घाटों का नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको दिखाई देगा। शाम के समय वाराणसी में नाव की यात्रा करना और भी अच्छा रहता है, क्योंकि नाव पर बैठकर शाम के वक्त महागंगा आरती देखने का कुछ अलग ही नज़ारा रहता है। तो बहुत से लोग शाम के वक्त यहाँ पर महागंगा आरती को नाव पर बैठकर देखते हैं। तो अगर आपको महागंगा आरती देखनी है तो आप शाम के वक्त नाव की यात्रा कर सकते हैं। आपको बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई देगा और यहाँ की महागंगा आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व भर के पर्यटक यहाँ की महागंगा आरती को देखने आते हैं और यह महागंगा आरती प्रतिदिन शाम के वक्त शुरू होती है। सामने यह जो घाट आपको दिख रहा है यह वाराणसी के घाटों में बड़ा ही प्रसिद्ध घाट है, जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।